आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अ गिवन चार्ज कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि जैसे हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल का पढ़ा था, इस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल में हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको हमने इन्फिनिटी से किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लेके आना है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, अगेंस्ट होगा, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस रखते हुए हमने एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट की तरफ लेके आना है, और जब हम उसको उसके लेके आएंगे इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट की तरफ, तो उस टाइम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट होगी। जैसे हमने प्रीवियस हमने यहाँ पे डायग्राम पढ़ी थी, यहाँ पे हमने देखी थी डायग्राम कि जब हम एक चार्ज था, ठीक है, जब हम उसको बी से ए की तरफ तो वो इजीली आ जाता था, ठीक है, हमें वर्क नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब हमने उसको ए से बी की तरफ लेके जाना था तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ रहा था, वर्क करना पड़ रहा था, और इस टाइम जो उसकी डायरेक्शन थी चार्ज की मूवमेंट की वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या थी, ऑपोजिट थी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में देखना है कि टू ड्राइव द फार्मूला फॉर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट हुज पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, सच अ पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी, लेट क्यू बी द चार्ज ड्यू टू विच द एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज टू बी डिटरमिंड एज ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब वही बात है कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज है जिसको हमने इन्फिनिटी से उठाना है, ठीक है, इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा और उसको किसी खास पॉइंट की तरफ लेके आना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो रेडियस है वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ई डजेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, सो द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड द क्यू चार्ज रीजन इज़ नॉट द सेम। क्योंकि हमें पता है कोई भी चार्ज होता है, ये कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड हमें पता है कि वो ओरिजिनेट बाहर की तरफ होती हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जोन सा होता है वो वेरी करती जाएगी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जोन सी हैं वो बढ़ती जाएंगी, जितनी रेडियस बढ़ता जाएगा उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जोन सी हो